दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत की नौसेना लगातार अपना दमखम दुनिया को दिखाती आ रही है। अब भारतीय नौसेना पहले से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसके कारण चीन को हिंद महासागर में घुसपैठ करने में बड़ी मुश्किल आ रही है। और अब यही मुश्किल को और बढ़ाने और समंदर में अपनी ताकत और मजबूत करने के लिए भारत ने एक एडवांस बैटलशिप का निर्माण किया है। यह भारत का अब तक का सबसे एडवांस और घातक जंगी जहाज है और उसका नाम है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर हर दूसरे दिन इंडियन आर्मी की जानकारी के वीडियोस आते रहते हैं। दोस्तों, भारत के इस एडवांस जंगी जहाज का नाम है मोर मुगाओ। तो चलो दोस्तों, इस मोर मुगाओ जंगी जहाज के बारे में जानने की कोशिश करें। भारत की नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए सबसे शक्तिशाली विध्वंसक युद्ध पोत मोर मुगाओ को शनिवार को समंदर में उतार दिया गया है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने मोर मुगाओ को समंदर में लॉन्च किया। मुंबई में स्थित मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में इस जंगी जहाज को तैयार किया गया है। दोस्तों, मोर मुगाओ एक एडवांस डिस्ट्रॉयर है। मोर मुगाओ मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत निर्मित दूसरा जहाज है। इस श्रेणी के पहले युद्धपोत विशाखापत्तनम को पिछले साल अप्रैल में जलावतरण किया गया था। मोर मुगाओ तकनीकी तौर पर भारत का अब तक का सबसे एडवांस युद्धपोत है। अभी इसे साजो सामान से लेस होने के लिए भेजा जाएगा। 2 साल बाद यानी 2018 में यह पूरी तरह से नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, मोर मुगाओ के कुछ खासियतों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह जंगी जहाज मिसाइल को चकमा देने में सक्षम है, क्योंकि इसे स्टेल तकनीक से बनाया गया है। यह परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध के समय भी बचाव करने में सक्षम है। इसका वजन 7,300 टन है और लंबाई 163 मीटर है। यह 65% देश में ही बना है और इसमें जो लगने वाले हथियार है वो भी देश में ही बने हैं। दोस्तों, इस जंगी जहाज में 8 ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जाएंगी। इस पोत की रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 75,000 वर्ग किलोमीटर समुद्र क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है। इस युद्ध पोत पर 50 अधिकारियों समेत 309 सैनिक तैनात रहेंगे। मोर मुगाओ में इजराइल का मल्टी फंक्शन सर्विलांस थ्रेट अलार्म रडार MF-STAR लगाए। यह अलार्म कई किलोमीटर दूर से हवा में मौजूद लक्ष्य को पहचान लेगा। इससे मिसाइल का निशाना सटीक होगा। मोर मुगाओ उड़ते विमान पर 70 किलोमीटर और जमीन एवं समुद्र पर मौजूद लक्ष्य पर 300 किलोमीटर दूर से ही निशाना लगा लेगा। दोस्तों, ठीक से जानने के लिए यह एनिमेशन देखिए। दोस्तों, मोर मुगाओ की और एक खासियत यह है कि खराब मौसम के दौरान भी नौसेना के हेलीकॉप्टर इस पर लैंड कर सकेंगे। इस युद्धपोत पर शिप डाटा नेटवर्क नाम का एक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है, जो लड़ाई के दौरान एक ही जगह पर सारा डाटा उपलब्ध करवाएगा। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल यानी जंगी जहाज उत्पादक एवं खरीद नियंत्रक JS पाब्बी ने बताया है कि नौसेना का लक्ष्य 2027 तक अपने बेड़े में 212 जहाज करने का है और यह एक असली चुनौती होगी। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना में एक साल में 5 जहाज शामिल किए गए हैं, जिनमें से 3 जंगी जहाज हैं। यह पहला मौका है जब भारतीय नौसेना ने एक श्रेणी के इतने सारे जहाज बनाए और इस प्रक्रिया ने स्वदेशीकरण में मदद की है। दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इंडियन आर्मी की थोड़ी जानकारी मिल सके। और हो सके तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।